बिहार सरकार ने असहाय और भीख मांगने को मजबूर लोगों के लिए एक ऐसी पहल की है जो देश में पहले किसी और राज्य ने नहीं की है। बिहार में जल्द भिखारियों को स्मार्ट कार्ड मिलेंगे जिनमें उनका पूरा ब्यौरा रहेगा और वो सरकारी लाभ के हकदार होंगे। क्या फायदे होंगे? भिखारियों की कुल संख्या पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। सरकार के पास पुनर्वास के लिए डेटा बैंक बनेगा। पता चल सकेगा कि किस योजना का लाभ मिल रहा है। पुलिस के पास भिखारियों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। स्मार्ट कार्ड में क्या जानकारी होगी? भिखारी का फोटो, नाम, वर्तमान और स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, बीपीएल, आधार संख्या, भिक्षा मांगने का कारण और स्थान, वैवाहिक स्थिति, धर्म, स्वास्थ्य की स्थिति, आश्रय का प्रकार, निर्भर परिवारों की संख्या। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी? दरअसल गया और बोधगया में भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया समेत विश्व के कई देशों से लोग आते हैं। दोनों जगहों की धार्मिक मान्यता होने के कारण लोग यहाँ दान भी करते हैं। कई पर्यटक विदेशी मुद्राओं में भी भिक्षा देते हैं। मंदिरों के आसपास भीख मांगने वाले बच्चे और युवक युवतियाँ विदेशी भाषाओं के शब्द बोलते भी दिख जाते हैं। दान से कमाई के कारण यहाँ भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से शुरू की जा रही भिक्षावृत्ति निवारण योजना की शुरुआत गया बोधगया से की जा रही है। भिखारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में गया और बोधगया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इसके बाद इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर को इस काम का जिम्मा दिया गया है। केंद्र ने बिहार सरकार की भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बारे में सूचनाएं मांगी है। योजना का विस्तार कर देश के 10 बड़े शहरों में ये योजना चलाई जा सकती है। समाज कल्याण विभाग की जानकारी के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ और इंदौर में भी ये योजना लागू की जा सकती है। बिहार सरकार द्वारा भिखारियों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से की गई ये पहल सचमुच सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।